नमस्कार, आप देख रहे हैं ओल्ड कॉइन न्यूज़, जहां आपको मिलती हैं सही और सटीक जानकारियां। आज हम फटाफट बात करेंगे कि जो 5 रुपये वाला ओल्ड नोट है उसके बारे में, उसकी क्या सच्चाई है या कुछ जो भी है इसकी, और जो भी आपके पास है कटे फटे नोट जिस भी प्रकार के हैं वो आप बेच सकते हैं, कितनी पैसों में बेच सकते हैं। कटे फटे से मतलब है कि इन नोटों, ये नोट पुराने होने के कारण यहाँ बीच में से ये कटे फटे हो सकते हैं, या ये नोट तो चलो फिर भी एक सही सलामत तरीके से मिल सकता है लेकिन ये नोट पुराना है इसलिए ये कटा फटा हो सकता है, उसकी कटे फटे क्या कीमत रहेगी, क्या कीमत 1.1 करोड़ रुपए हो सकती है नहीं हो सकती। तो ये सब तरीके हम फटाफट आपको बताएंगे कि क्या इसकी कीमत है, कहाँ इसको बेच सकते हैं कटे फटे, या जो भी है जो भी सच्चाई है उसको सब कुछ आपको फटाफट बताएंगे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और एक सही वे में विस्तार से आपको इसकी चीज़ के बारे में बताता हूँ। ये आप 5 रुपये का जो नोट है उसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं, इस प्रकार का ये सभी की। तो ये अब इसकी बात करते हैं, जो बैक जो व्यू है इसका, इसमें आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर और सूरज जो वाला सिस्टम है, और एक आपको अलग से नोट दिखाएंगे। तो इसमें ये नोट अब इसको कहते हैं कि इसकी 1.1 करोड़ रुपये इसके मिल सकते हैं मार्केट में, बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 1.1। तो ये एक तरह से आप बोलो आप ये आपका सपना ही हो सकता है, इतना पैसे इस चीज़ के नहीं मिलते, ये बहुत ज़्यादा रेयर नोट नहीं है, रेयर मानो आप, ये तो हर किसी के पास मिल सकता है। बल्कि जो अब आप वीडियो देख रहे हैं तो लगभग इसमें 99% लोगों के पास ये नोट होगा, तो ये रेयर, इतना रेयर नोट नहीं है। तो इसको बेचने के लिए आपको 1 करोड़ रुपये कभी नहीं मिलेंगे नेक्स्ट कई सालों तक। लेकिन हाँ, इसकी कीमत आप अब इसको 500 रुपये के आसपास भी, 500 रुपये से भी नीचे मानो अगर आप कहीं इसको थोड़े सालों बाद ये बेचना चाहें तब इसकी कीमत हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी 1.1 करोड़ रुपये कतई नहीं है। आपको दूसरा जो नोट है वो भी आपके पास साथ शेयर कर देता हूँ। ये नोट ज़रूर थोड़ा पुराना है, उस नोट से इसमें आप ये इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज है, यहाँ पर आप इसका डिज़ाइन दे सकते हैं, बल्कि ये इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसका ज़रूर आपको अगर आप लोकल में बेचें तो 200-300 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन इसके भी आपको 1.1 करोड़ रुपये नहीं मिल सकते कभी भी। तो इन चीज़ों से बचें, और जो भी नोट है कोशिश कीजिए, ये इतना रेयर नहीं है, इसको एक बार रखिए आप अगर आपके पास रखना चाहते हैं, और इन फ्यूचर देखेंगे इसकी ज़्यादा कीमत होगी तब उसको बेचने की कोशिश करें। अभी इस नोट को आप जहाँ तक उसके अगर कोशिश करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो बहुत अच्छी बात है, हमने भी बहुत से तरीके आपको साथ शेयर किए हुए हैं, उन तरीक़ों से कोशिश कीजिए। बल्कि अगर आपके पास है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके उस कमेंट पर रिप्लाई देके आपको बताएंगे कि कैसे कहाँ बेचना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।